अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों आज ड्यूटी नहीं लगी भाई, समझ लो सुबह सोकर उठा हूँ, मजलिस की साफ सफाई करा है, बस इसके बाद से रूम में ही रहा। फिर दोपहर का खाना आया, बस वही दोपहर को फोन आया कि खाना उठा लो, गया खाना लेकर आया, खाना खाया दोपहर को, फिर सो गया। फिर 4 बजे उठा हूँ भाई, 4 बजे उठने के बाद फिर इसके बाद मुंह धोया, चाय पी रहा था, वैसे ही मैडम का फोन आ गया। मैडम का क्या समझ लो, कपिल की माँ है, उनका फोन आ गया कि गाड़ी स्टार्ट करो। तो मेरा मैडम तो भाई आया नहीं है, और कपिल की माँ आई है, उसकी बहन आई है, बस तो वही लुलू मॉल में आई है सामान वामान खरीदने। तो एक स्टोरी आपको बता रहे हैं, क्या हुआ था मेरे साथ आपको बताते हैं। ऐसे एक बार 6-7 महीना पहले तो मामा आई, हमने कहाँ चलना है, तो मामा बोले चलो लुलू मॉल चलना। लुलू मॉल में आए, फिर इसके बाद मामा और नौकरानी थी साथ में, तो मामा बोली कह रहे फुरकान इंता विषय से, और बोला ओके। तो फिर इसके बाद मैं गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके अंदर चला गया और ट्राली उठा लिया और सामान पकड़ने लगा। भाई अपना सामान, ड्राइवरों का क्या सामान होता है यार यूज़ करने वाला, साबुन हो गया, सर्फ हो गया, यही सब था, शैम्पू वैम्पू और दाढ़ी बनाने वाला ब्लेड ये था, और भी कुछ चुटुर पुटुर थे, क्रीम व्रीम थे, सब पकड़ लिया। तो कम से कम 100-125 रियाल का बिल आ गया था। तो वो सब पकड़ने के बाद मैं फिर इंतज़ार करता रहा कि मामा भी अपना सामान पकड़ ले, तब भाई बिल बनाए, ऐसे बिल बनाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, मामा के साथ मेरा भी हो जाएगा क्योंकि वो बोली है मामा। फिर सामान वामान पकड़ने के बाद फिर इसके बाद मामा भी आ, बिल विल बना, फिर लास्ट में हमने अपना भी दे दिया उसी में। और मामा देखे तो कुछ बोली नहीं, फिर मेरे से ही बोले फिर याद आ गिनता, मैं बोला हाँ ये मेरा है एंड ओके। तो बस भाई हाँ 100-100 रियाल का बिल आया होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं आया होगा, 100-100 बस, इससे ज़्यादा नहीं होगा बस, यानी फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम बस वही पूछा था। इसके बाद से दोबारा कभी नहीं पूछा मामा ने, अभी भी आई है, अभी अब तो पूछता ही नहीं है, अब तो पूछते ही नहीं है यहाँ कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ऐसा है भाई। तो चलिए फिर दोस्तों आपको कुछ लुलू मॉल का नज़ारा दिखाते हैं कि कतर का लुलू मॉल कैसा है। चलिए फिर, और बैंक का रेट भी आज आपको दिखा देंगे क्योंकि आज भाई 16 तारीख है, तो 16 तारीख का भी रेट दिखा देंगे आपको कि आज बैंक का क्या रेट है। चलिए दोस्तों दिखाते हैं फिर लुलू मॉल के अंदर, वो बैंक का भी रेट दिखा देते हैं। तो दोस्तों ये है लुलू मॉल, इसी में गई हैं, चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं, आपको भी दिखाते हैं कि कतर का लुलू मॉल कैसा है, चलिए फिर दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों तो कुछ ऐसा नज़ारा है लुलू मॉल का, ये कतर का लुलू मॉल है अंदर का, देखिए कैसा है, ऐसा है, इसी में बैंक भी है। चलिए आपको बैंक का रेट दिखाते हैं, आज का क्या रेट है, आज कितना तारीख है, आज शायद देखता हूँ, हाँ आज 16 तारीख है, आज 16 तारीख है, 16 तारीख का रेट देखता हूँ क्या है, चलिए फिर दिखाते हैं फिर। तो देखिए दोस्तों ये लुलू मॉल की ट्रेन है छोटी सी, ये ऐसी चलता रहता है, 5-10 रियाल लेते हैं, वैसे पूरे लुलू मॉल में घुमाते हैं छोटे बच्चों को है। ये देखिए छोटे बच्चे भी हैं और बड़े बड़े लोग भी हैं, ये देखिए ऐसे घुमाते रहते हैं छोटी छोटी ट्रेनें, ये देखिए इतना है, मेरे को भी नहीं मालूम है, तभी 5 रियाल या 10 रियाल होगा, देखिए ये देखिए ऐसा है लुलू मॉल। तो अंदर का कुछ ब्लेसमेंट का यूँ नज़ारा है, देखिए ये देखिए, चलिए आपको बैंक का रेट दिखाते हैं आज का क्या रेट है। देखिए
क्या रेट है ये है इंडिया का, किधर है सब चल रहा है, देखो किसका क्या क्या रेट है, देखते रहे है। ये इंडिया का एनआरआर, हाँ इंडिया का तो यार बड़ा अच्छा रेट है, 22.68 है। तो दोस्तों देखा आज का क्या रेट है, अच्छा रेट है यार, ये महीने का 20 का है ना, 16 तारीख को रेट अच्छा हो जाता है। अब 1 तारीख आएगा देखना, इसमें से 10-20 पैसा कम हो जाएगा, फिर 22.5 रुपया हो जाएगा, 22.40 रुपया हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। चलिए थोड़ा मुँह धो लेते हैं, मुँह क्योंकि बाहर इतनी देर से खड़े हुए थे ना तो धूल गर्दा उड़ रहा है, तो थोड़ा मुँह भी धो लेते हैं, थोड़ा हल्के भी हो जाते हैं। चलिए फिर दिखाते हैं आपको टॉयलेट, ये भाई मस्जिद। तो दोस्तों ये है प्रेयर रूम, इधर लेडीज है इधर जेंट्स है, चलते हैं देखते हैं। ये है भाई दोस्तों, लुलु मॉल से आ गया हूँ, अभी आया हूँ, 10 मिनट हुआ है और मजलिस में आया, देखा चाय कहवा नहीं रेडी, मेरा कफिल बैठा हुआ था, करा चाय कहवा क्यों नहीं बनाया, अन्य तेरा माँ मेरे को ले गया था मॉल में, क्या करेगा, करा ठीक है चाय कहवा बनाओ, आता हूँ तो वो अंदर गया है, तो वही चाय कहवा बना रहा हूँ भाई। दिखाता हूँ आपको चाय कहवा बाइक कैमरे से। तो ये है दोस्तों, ये चाय है और वो कहवा रेडी हो रहा है, और कुछ ऐसा मजलिस है, मजलिस का नज़ारा है, कुछ देखा है ऐसा मजलिस का नज़ारा है। देखा दोस्तों ऐसी है मजलिस, बस यही खल जाता है भाई, जो खड़े होकर के जो कहवा पिलाना पड़ता है ना, ये मुश्किल होता है। चलिए दोस्तों काफ़ी देर हो गया, हो सकता है अंदर से आने वाले हैं लोग, भाई लोग और बाप लोग उसके बैठेंगे, तो वीडियो को अभी यहीं एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह दूसरी वीडियो मिलते हैं भाई। ओके भाई चलो, फिर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना और दोस्तों लोग पास भी शेयर कर देना। ओके भाई चलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।